वेलकम टू तालिब इस्लाम सेवन क्लास। अज़ीज़ तलबा, आज हमें इतात व इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला टॉपिक नंबर 4 हम उसका पढ़ रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले रीडिंग हम करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की इताअत करना और ज़िंदगी के सब मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और हदायात पर चलना रिसालत पर ईमान का एक तकाज़ा है। अल्लाह ताला की इताअत का वाहिद तरीका यानी एक ही तरीका यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ मोमिनो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों की इत्तिबा भी ज़रूरी है। इताअत का ताल्लुक कौली अहकाम से है मगर इत्तिबा का ताल्लुक अमली हदायात और शासना के साथ है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। रिसालत पर सही ईमान के हामिल वही लोग हैं जो रिसालत के तकाज़ों को पूरा करते हैं। रिसालत के तकाज़ों को पूरा करने से सही ईमान नसीब होता है, इसलिए सब मुसलमानों को चाहिए कि रिसालत के तकाज़ों को अमली तौर पर अपनाएं। दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सुरखरुई रिसालत के तकाज़ों पर अमल करने से है। हमें चाहिए कि इस्लाम के आलमगीर और आफाकी पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो अज़ीज़ तलबा, ये आज इसकी आखिरी हिंट्स की रीडिंग होगी नंबर 4 आता तो इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इससे एक आधा ये लिखना, पहला लिखना और याद करना है और इंशाल्लाह कल हमें इसके मशकी सवालात करेंगे।